चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पुष्पेन सिंह फ्रॉम परीक्षा दृष्टि। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप लोग पीछे बोर्ड पर देख रहे होंगे उस पे लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2016। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी लोअर की जो वैकेंसी निकाली, आप लोग सभी लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि पिछली परीक्षाओं में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को यदि आपके सामने डिस्कस कर दिया जाए तो थोड़ा सा हो सकता है आपको आसानी मिले आपकी तैयारी में, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक ये तो क्लियर नहीं कि आपकी सिलेबस क्या पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि भाई जीएस है तो जीएस तो पूछा ही जाएगा, इसीलिए यदि पिछली परीक्षाओं को हम लोग देख लें, क्योंकि आयोग वही है, पद वही है, ठीक है ना, आयोग भी वही है, पद भी वही है, तो हो सकता है कि सिलेबस और उसका जो लेवल हो वो उसी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग वो दें। तो देखिए, 2016 का जो लोअर पीसीएस था, जो 15/7/2018 को आयोजित किया गया था, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, किसके क्वेश्चन, जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन का आज मैं आप लोगों को डिस्कशन कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। ऑप्शन है आपका क्लोरोफॉर्म, बी ऑप्शन है आयोडोफॉर्म, सी ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल और डी ऑप्शन है आपका ईथर। देखिए, पूछा गया है कि कौन सा ठोस है यानी कि सॉलिड में रहता है। देखिए, क्लोरोफॉर्म पहला ऑप्शन है, क्लोरोफॉर्म जो आपका होता है वो एक गैस होती है, ठीक है ना, तो ये ठोस में नहीं है। आयोडोफॉर्म, ठीक है ना, तो आयोडोफॉर्म जो होता है वो एक पीले रंग का क्रिस्टली पदार्थ है। देखिए, जो आपका आयोडोफॉर्म होता है, क्या होता है, जो आपका आयोडोफॉर्म होता है ये क्या होता है, ये पीले रंग का होता है। कितने, कैसे रंग का, पीले रंग का होता है और क्रिस्टली होता है यानी कि ठोस होता है। कैसा होता है, ये क्रिस्टली पदार्थ है, ठीक है ना, ये क्रिस्टली पदार्थ है। इसका मतलब यही आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा कि आयोडोफॉर्म। और बता दें, ये इसका जो प्रयोग होता है, आखिर आयोडोफॉर्म का जो प्रयोग होता है वो कहां होता है, ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में, कीटनाशक के रूप में आयोडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब पहले ऑप्शन में आपका देखिए क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म के बारे में कोई प्रश्न बनता है तो वो ये पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए कि आखिर क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, जो रासायनिक सूत्र इसका होता है वो होता है CHCl3। क्या होता है, CHCl3 होता है, ठीक है ना, ये होता है आपको क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। और जो आपका ये होता है क्लोरोफॉर्म होती है, ये रंगहीन है, सुगंधित होती है और लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है ना, सुगंधित होती है, तरल पदार्थ होती है। इसका प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग शल्य क्रिया के लिए, इसका प्रयोग जो होता है वो शल्य क्रिया के लिए किया जाता है, शल्य क्रिया के लिए मूर्छित करने के लिए किया जाता है। किसे किया जाता है, मूर्छित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सी ऑप्शन आपका है, सी है इथाइल अल्कोहल। क्या है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल मतलब आपकी दारू होती है, ठीक है ना, शराब जिसे आप बोलते हैं वही अल्कोहल। ये क्या होता है, एक प्रकार का ये अल्कोहल होता है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो कहां किया जाता है, ये वार्निश करने में, पॉलिश में, दवाओं के घोल में किया जाता है, ठीक है ना। बचा आपका ईथर, और ईथर का प्रयोग आपका कहां होता है, जो ईथर होता है, ईथर का प्रयोग आपका दवा बनाने के काम में आता है। इथर का प्रयोग कहां होता है, दवा बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही था, आयोडोफॉर्म सही था, ठीक है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न दिख रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत की सॉरी निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। और ऑप्शन में है, पहला आपका परावैगनी किरण, पहला ऑप्शन क्या है, पराबैगनी किरणें, यही है ना, पराबैगनी किरणें। बी ऑप्शन में आपको देख रखा है गामा किरणें, क्या दिया है, गामा किरणें, ठीक है ना। सी ऑप्शन में आपको देखा है रेडियो तरंगें, क्या दिया है, रेडियो तरंगें। और डी ऑप्शन है आपका अवरक्त तरंगें, अवरक्त तरंगें, ठीक है ना। ये आपके चार ऑप्शन देके रखे हैं, कौन सा, परावैगनी, गामा, रेडियो और अवरक्त, ठीक है ना। और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, इन चारों में से विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य किसके हैं। तो देखिए, परावैगनी किरण की यदि बात की जाए तो जो परावैगनी किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 150 से
3800 अंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना। और यदि गामा किरणों की बात की जाए तो 0.01 से कितने 0.01 से 0.1 अंगस्ट्रॉम की इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। बात की जाए यदि रेडियो तरंगों की तो 3 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁹ से 3 × 10⁻¹⁴ होती है, 14, ठीक है ना, 14 एंगस्ट्रॉम ये इसकी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। और अवरक्त तरंगों की बात की जाए तो 7600 से कितने से 7600 से 10⁶ सॉरी 6 इंच होती है, 7600 से 6 × 10⁶ एंगस्ट्रॉम इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। तो अब आप देख के ही बता दीजिए कि सबसे ज्यादा किसकी है, बात बिल्कुल सीधे सीधे क्लियर है कि यहां पे जो रेडियो तरंगें हैं इस रेडियो तरंगों की ही तरंग दैर्ध्य यानी कि जो वेव लेंथ है वो क्या होती है, सबसे अधिक है यहां पे। इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो तरंग दैर्ध्य होती है उस तरंग दैर्ध्य को हम लैम्बडा से प्रदर्शित भी करते हैं, ठीक है ना। बात याद रखिएगा जो तरंग दैर्ध्य हमारी होती है, जो हमारी तरंग दैर्ध्य होती है इसे हम लोग लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, वो एंगस्ट्रॉम होता है, और ये इसका एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर देखिए, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, इसे हम लोग क्लियर कर दें। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। पहला ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम साइनामाइड, तीसरा ऑप्शन है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, और चौथा ऑप्शन है यूरिया, ठीक है ना। यहां पे आपके क्या है, चार ऑप्शन दे के रखे हैं और चारों में से कौन सा सही है। देखिए इसमें सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो होता है ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। नाइट्रोजन उर्वरक का मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन की उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे कि पहला ऑप्शन है आपका अमोनियम सल्फेट, पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन आपका है अमोनियम सल्फेट, यही है ना, अमोनियम सल्फेट, पहला ऑप्शन आपका अमोनियम सल्फेट है। और जो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है वो होता है NH4 का ये SO4, ठीक है ना। NH4 जो होता है उसका क्या है, SO4, ये होता है आपका अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपको देख रहा है कैल्शियम साइनामाइड, जो कैल्शियम साइनामाइड होता है वो होता है CaCN का होल ट्वाइस, CaCN का होल ट्वाइस, ये आपका क्या होता है, कैल्शियम साइनामाइड होता है। और बचा आपका यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है, जो आपका यूरिया बचा, यूरिया का सूत्र होता है CH4N2O, क्या होता है CH4N2O, ये आपका यूरिया होता है। तो देखिए इसमें भी नाइट्रोजन है, ये आपका कैल्शियम साइनामाइड है इसमें भी नाइट्रोजन है, और ये आपका अमोनियम सल्फेट है इसमें भी नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब तीनों के तीनों नाइट्रोजन उर्वरक हैं, लेकिन जो आपका सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम है ये आपका नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित होता है, पहले घटता है और फिर वृद्धि होती है। तो देखिए जो नमक होता है, नमक ऐसा पदार्थ है कि यदि आप उसे बर्फ पर डाल देते हैं तो वह उसके हिमांक को घटा देता है। नमक क्या करता है, जो आपका नमक होता है, नमक जिसका केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक नाम जो होता है वो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। यदि सोडियम क्लोराइड को हम किसी बर्फ के क्यूब के आकार के बर्फ में हम लोग डाल देते हैं, कोई मान लीजिए टुकड़ा है और इस पे हम लोग नमक डाल देते हैं, तो जो इसका हिमांक होता है वो क्या होता है, ये घट जाता है, ठीक है ना। और बर्फ जो होती है वो देर से पिघलती है, ठीक है ना। इसका एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने बचपन में बहुत किया होगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है हमारा कि कैलामाइन का एक अयस्क है, जो आपका कैलामाइन है उस कैलामाइन का अयस्क पूछा है। ऑप्शन में दिया है टीन, मैग्नीशियम, जस्ता और तांबा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए टीन जो दिया है यानी कि टिन, टिन का जो फॉर्मूला होता है या सिंबल जो होता है टिन का वो होता है SN, और देख रखा है मैग्नीशियम,
ठीक है ना, जो मैग्नीशियम होता है वो होता है Mg, और जस्ता देके रखा है, ठीक है ना। जस्ता जो होता है ये मिक्सर होता है, जस्ता क्या होता है मिक्सर होता है, और जो डी देख रखा है तांबा, तांबा का मतलब क्या होता है, तांबा जो होता है वो कॉपर यानी कि Cu होता है, ठीक है ना, और जस्ता जिंक से मिला होता है, ठीक है, जिंक और कॉपर का मिक्स होता है। तो यहां पे ये कह रहा है कि कैलामाइन का जो एक अयस्क है वो कौन सा है, तो कैलामाइन का जो अयस्क है वो जस्ता ही होता है, ठीक है ना, जस्ता ही होता है। और जैसे आपसे यदि एग्जाम में और पूछ ले जाए, अभी कैलामाइन का पूछा गया यहाँ पे आपसे एग्जाम में, यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे आपका कैलामाइन पूछा गया, कैलामाइन पूछा गया और इसका आपने जस्ता बता दिया। इसी तरह आपसे एग्जाम में और भी पूछे जा सकते हैं कि इसके अयस्क क्या है बताइए। जैसे आपसे बोल जाए कि एल्यूमिनियम, जो एल्युमिनियम होता है Al, यदि आपसे पूछा जाए कि आखिर कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो है, जैसे ये एल्युमिनियम है, इसके यदि अयस्क के बारे में पूछा जाए तो इसके अयस्क कौन से, तो इसका अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है। क्या होता है, बॉक्साइट होता है इसका अयस्क, ठीक है ना। और कोरंडम भी होता है, कोरंडम पूछ लिया जाता है, क्योंकि नाम थोड़ा सा अजीब है इसलिए इसे पूछ लिया जाता है और लोग नहीं समझ पाते हैं। इस तरह यदि कैल्शियम पूछा जाए कि कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है ये इसका जो अयस्क होता है ये चूने का पत्थर होता है, ये चूने के पत्थर में भी मिल जाता है। और जिप्सम, जो जिप्सम होता है, जिप्सम जो होता है वो भी इसी से बनता है, ठीक है ना, कैल्शियम से, उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। इसी तरह यदि सोने का पूछ लिया जाए, जो सोना होता है हमारा, सोना Au होता है, ठीक है ना, जो सोना होता है, सोना क्या होता है, सिल्वेनाइट होता है और पेट्रासाइट होता है, क्या होता है, सिल्वेनाइट होता है, सिल्वेनाइट और पेट्रासाइट भी होता है, आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा ताकि याद रहे। इस तरह सीसा की यदि बात की जाए, सीसा, ठीक है ना, जो सीसा होता है लेड यानी Pb, ठीक है ना, जो सीसा होता है इसके एस की बात की जाए तो गैलिना और सेक्साइट होता है, क्या होता है इसका, गैलिना और सेक्साइट होता है, सेक्साइट, ठीक है ना। और एल्युमिनियम की बात कर ले, लोहा है जैसे, तो लोहे का पूछा जाता है तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, जो हमारा लोहा होता है, लोहा यानी कि Fe, इसका हेमेटाइट होता है और मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके तत्व हैं, उनके अयस्कों के बारे में ये आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, आप लोग इन्हें नोट भी कर लीजिए। और भी जानना है तो आपको चांदी का ही बता दें, चांदी यानी कि Ag, जिसे हम लोग चांदी के नाम से जानते हैं, तो चांदी का क्या होता है, देखिए चांदी का सिल्वर ग्लांस और अर्जेटाइट होता है, क्या, सिल्वर ग्लांस, ठीक है ना, सिल्वर ग्लांस होता है और अर्जेटाइट होता है, क्या होता है, अर्जेटाइट होता है, अर्जेंटाइट, ठीक है ना, ये होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है। तो देखिए ध्वनि का जो गमन होता है ठोसों में हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन देख लेते हैं यहां पे, पानी, इस्पात, हवा और निर्वात। देखिए पानी में ध्वनि का गमन हो जाता है, ठीक है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ध्वनि हो जाता का गमन पानी में हो जाता है, ध्वनि का गमन इस्पात में भी हो जाता है, लोहे में भी हो जाता है। जो ध्वनि का गमन होता है, ध्वनि का गमन जो होता है ये जल में भी हो जाता है, इस्पात में भी हो जाता है और हमारे हवा यानी कि गैस में भी हो जाता है, यानी सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में क्या कर सकती है, गमन कर सकती है, लेकिन यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो हमारा यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। एक प्रश्न आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि आखिर चंद्रमा पर जब एक दूसरे यानी दो लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो एक की आवाज आखिर दूसरे को सुनाई क्यों नहीं देती है, तो उसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो यही है कि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, यानी वहां पे गैसें नहीं है, ठीक है ना, वहां पे वातावरण नहीं है, वहां पर निर्वात हो जाता है, इसीलिए वहां पे हम लोग जब बात करते हैं तो क्या हो जाता है, तो एक दूसरे को सुनाई नहीं देती है।
ठीक है ना। इसके अलावा भी इसके संबंध में हम कुछ आपको बता दे रहे हैं कि कई कई पूछा जाता है कि जो ध्वनि की चाल है यह यदि वायु में प्रवाहित की जाए तो कितनी स्पीड होती है। तो देखिए ध्वनि जब आपके वायु यानी गैस में चलती है तो 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। यदि इसे जल में डाल दिया जाए तो 1490 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, ठीक है ना। और यदि लोहे में प्रवाहित की जाए तो एक लोहे में की जाए तो 5130 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रवाहित होती है। एक और पूछा जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा ठोस पदार्थ है या ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें ध्वनि की स्पीड सबसे अधिक होती है, तो होती है स्टील में, ठीक है ना। ये तो लोहे का है, ये लोहे की स्पीड है और सबसे अधिक स्पीड इसकी कितने होती है, स्टील में होती है, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं अब अगले प्रश्न पर, इसे हटा देते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। कौन सा रोग, स्कर्वी, बहुत नाम सुना है आपने, आपको पता भी होगा इसका उत्तर, स्कर्वी, ठीक है ना। आखिर स्कर्वी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो देखिए स्कर्वी रोग जो होता है वो सबको पता है, आप लोगों को भी पता है कि विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाता है। किस कमी की वजह से हो जाता है, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है ना। विटामिन जो बी है, विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन बी की कमी से कौन से होते हैं, बेरी बेरी, जो बेरी बेरी होता है ये विटामिन बी की कमी से रोग हो जाता है, ठीक है ना। और बालों का सफेद होना भी विटामिन बी की वजह से ही होता है, ठीक है ना। विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी हो जाती है, क्या हो जाती है, रतौंधी हो जाती है विटामिन ए की कमी की वजह से, ठीक है ना। और यदि विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसे हटा देते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, अगला प्रश्न है कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। पहला उसके वजन से, बी ऑप्शन उसकी ऊंचाई से, तीसरा वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, और चौथा कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से। देखिए किसी भी पौधे का जो वजन होता है उसके वजन की वजह से हम कभी उसकी उम्र का पता नहीं लगा सकते हैं, उसकी जो हाइट होती है उसकी वजह से नहीं लगा सकते, क्योंकि मान लो हाइट बीच में रोक दी गई हो, काट दी गई हो, या किसी वजह से उसकी वृद्धि नहीं हो रही हो, ठीक है ना। सी ऑप्शन है वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। तो देखिए जो उसके छल्ले बनते हैं पेड़ों के, उस छल्ले की वजह से ही हम उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। पेड़ के जो वार्षिक छल्ले होते हैं उन्हें गिनकर उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। पेड़ में प्रत्येक वर्ष एक नए छल्ले का निर्माण भी होता है, ठीक है ना। इन्हीं छल्लों को जो हम गिनते हैं, गिनकर हम पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, सौर गतिज ऊर्जा, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन है आपका पहला केल्विन चक्र, दूसरा है आपका प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है आपका क्लोरोसिंथेसिस और चौथा है आपका डार्क रिएक्शन। तो देखिए इसके ऑप्शन की बात की जाए तो केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोसिंथेसिस और डी आपका जो डार्क रिएक्शन है, इसमें आपका बी वाला जो ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऐसा संभव है, किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऐसा संभव है कि सौर गति ऊर्जा को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को, जो सौर ऊर्जा की जो रासायनिक ऊर्जा होती है, उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही पौधे की जो हरी पत्तियां होती हैं,
जो पौधे की हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों में ही यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रवाहित होती है या होती है, उत्पन्न होती है हरी पत्तियों में या हरी कोशिकाओं में, ठीक है ना। तो पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोग से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और बाद में वही क्या बन जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी का निर्माण हो जाता है, बाद में जटिल कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। यानी सीधे सीधे प्रक्रिया में इस तरह से बता दूं आपको तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी कि सौर ऊर्जा जो होती है, जो सन से आने वाली जो एनर्जी होती है, वो सन से आने वाली एनर्जी हरे हरे शैवालों पर या पादपों पर, ठीक है ना, या पत्तियों पर जो पड़ते हैं, हरी पत्तियों पर पड़ते हैं, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, जो ये पेड़ की पत्तियां होती हैं, इन जब पत्तियों पर यह पड़ता है तो इन पत्तियों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के अंदर जो जल और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि H2O और CO2 जो होता है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इस ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ये लोग कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हुई आपकी कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है, जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है फल और चौथा है फूल। तो देखिए जो हल्दी होती है, हल्दी क्या होती है, हल्दी तने का रूपांतरित भाग होती है या उसी का रूपांतरित रूप है, ठीक है ना। तो जो हल्दी का प्रयोग होता है वो क्वेश्चन में दिया ही है कि आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई, तो ऑप्शन कौन सही हो गया, बी वाला सही हो गया, यानी हमारा तना, यानी जो हल्दी है वो तने का ही रूपांतरित रूप होती है, ठीक है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका देके रखा है लौह, बी ऑप्शन है आपका तांबा, सी ऑप्शन है आपका क्रोमियम और डी ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम। तो देखिए इसमें से जो क्रोमियम होता है, जो क्रोमियम होता है Cr, क्रोमियम, जो क्रोमियम होता है जिसे हम Cr जिससे प्रदर्शित करते हैं, यह रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त में लोहा होता है यानी कि Fe भी होता है, तांबा होता है यानी कॉपर भी होती है, मैग्नीज आपका Mn होता है, ये प्रमुख तत्व में पाए जाते हैं, लेकिन क्रोमियम रक्त में पाया नहीं जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है, और देख रखा है ऑप्शन में 6, पीलिया, डिफ्थीरिया और हैजा। देखिए 6 रोग का मतलब होता है टीवी, क्या होते हैं, टीवी, पीलिया तो आप जानते ही हैं, डिफ्थीरिया और हैजा। देखिए इसमें से जो 6 रोग होता है वह भी दुग्ध के द्वारा फैलता है, जो डिफ्थीरिया होता है वह भी दुग्ध के द्वारा फैलता है, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन में चलते हैं, तो एक्सप्लेन में चलते हैं, तो जो दुग्ध होता है यदि वो संक्रमित हो जाए, कैसा हो जाए, संक्रमित, तो संक्रमित दूध से जो दूध होता है उस संक्रमित दूध से 6 और डिफ्थीरिया रोग संभव है। डिफ्थीरिया रोग क्या होता है, डिफ्थीरिया रोग से गले में खराश हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है, और जो 6 रोग होता है वो कहाँ होता है, कैंसर जो होता है वो फेफड़ों से संबंधित होता है, तो ये फेफड़ों में हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो संक्रमित दूध होता है उस संक्रमित दूध की वजह से क्या होता है, 6 और डिफ्थीरिया दोनों संभव है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नारंगी प्रचुर स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, प्रोटीन का और विटामिन का। तो देखिए नारंगी, नारंगी यानी कि ऑरेंज, नारंगी मतलब क्या होता है, जो नारंगी होता है, नारंगी मतलब क्या होता है, संतरा, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑरेंज, ये होता है ना संतरा, यानी कि ऑरेंज। तो ऑरेंज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होती है या फिर विटामिन। तो जो नारंगी होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन पाया जाता है, क्या मिलता है इसमें, इसमें हमें विटामिन मिलता है। अब बात आती है विटामिन कौन सा मिलता है, तो इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, और खट्टे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, तो सीधे सीधे इसमें कौन सा
एसिड भी पाया जाता है, ये भी बता दें, ठीक है ना। जो नारंगी होता है ये कैसा होता है, खट्टा होता है, और खट्टा होता है अम्ल, तो इसमें एक अम्ल भी पाया जाता है। तो विटामिन की बात हो जाती है, हम अम्ल की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है, नारंगी में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। इसमें कौन कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन ई भी मिलता है, विटामिन बी सिक्स भी मिलता है, ठीक है ना। और इसमें विटामिन सी भी मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है। एसिड की बात की जाए तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है, कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड होता है इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय कैसे दिया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन हमारा था उसकी खोज का आखिर श्रेय कैसे दिया जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जिसे हम ई से शो करते हैं, ई नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, कैसा होता है, हमेशा हमेशा यह नेगेटिव चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, इतना ही होता है। यहां पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में देख रखा है ई गोल्डस्टीन, जे जे थॉम्सन, जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही है, जे जे थॉम्सन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे जे थॉम्सन ने की थी, किसने की थी, जे जे थॉम्सन ने 1897 में की थी, ठीक है ना। ऑप्शन में आपको जो सी देख रखा है जेम्स चैडविक, आपको वो भी माइंड में आ रहा हो कि हो सकता है जेम्स चैडविक। तो देखिए जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसकी की थी, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, कोई चार्ज नहीं होता, इस पे नल, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और जो एक प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन, इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा कि चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है, किसके माध्यम से, चालक के माध्यम से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है। विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक, विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक यानी जो आई होती है वो क्या होती है, पहला कह रहा है ए ऑप्शन कि जो जो प्रवाहित धारा यानी आई होती है, यहां पे लिख देते हैं, जो हमारी प्रवाहित धारा आई है, ठीक है ना, प्रवाहित धारा आई यानी करंट जिसे बोलते हैं, जो प्रचालक के माध्यम प्रवाहित धारा होती है वो विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है। प्रत्यक्षता अनुपातिक का मतलब क्या है कि जो ये है ये I इज प्रोपोर्शनल टू V होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिरोध की प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है, यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वोल्टता के व्युत्क्रम अनुपातिक होती है, यानी कि I इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। और डी ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है ना। देखिए धारा में जो संबंध है यहां पे वी और आर के साथ जो संबंध निकाल रहे हैं आई का, जो आई के साथ वी और आर दोनों का जो संबंध होता है, यह संबंध दिया जाता है किसके द्वारा, संबंध दिया जाता है ओम के नियम द्वारा, किसके नियम द्वारा, ओम के नियम द्वारा। और जो ओम का नियम है वह क्या है, जो ओम का नियम है, ओम का नियम, ठीक है ना, ओम जिसका सिंबल यह होता है, ठीक है ना, हिंदी में ऐसे लिखते हैं ओम, ठीक है ना, जो ओम का नियम होता है, ओम के नियम के मुताबिक जो धारा I होती है ये V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि A वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसे हटाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो ओम का नियम होता है इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो ओम का नियम होता है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में या किसी परपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वह उसके विभव के यानी उस परपथ के विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है,
ठीक है ना, यानी कि समानुपाती होती है, यानी सीधे सीधे बात यह होती है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। और यदि हम इसमें से क्या करते हैं, यदि हम इसमें से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो एक क्या आ जाता है, नियतांक आ जाता है जिसे हम R ले लेते हैं। R जो जहां पे नियतांक का काम करता है, क्या होता है, R नियतांक का काम करता है। और जो R होता है यही प्रतिरोध होता है, क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है। यहां से देखा जाए, यदि यहां से देखा जाए तो I जो प्रोपोर्शनल V के है, तो यहां पे यदि हम I अपॉन V कर दें, यदि यहां से देखेगा, यदि V को हम इधर भेज दें तो I अपॉन जो V होता है यहां पे केवल R बचता है जो कि नियतांक का काम करता है, यानी I अपॉन V बराबर नियतांक भी होता है। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा कि I इक्वल वी आर होता है। यदि कभी ग्राफ की बात की जाए कि इसका जो ग्राफ बनता है ओम के नियम में वो कैसा होता है, तो धारा I और विभव V के बीच जो ग्राफ बनता है R का, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारी, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपकी कि प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है। और ऑप्शन में आपको देख रखा है कि मिट्टी की दुर्गंध जहां उगाया गया हो, सल्फर यौगिक, तीसरा ऑप्शन है शर्करा, और चौथा है आपका संचित कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो प्याज होती है, प्याज जो आप खाते हैं या काटते हैं उससे क्या होती है, एक गंध निकलती है, ठीक है ना। तो वो पहला ऑप्शन यदि हम लेके लिए कि मिट्टी की दुर्गंध, तो देखिए वो मिट्टी की दुर्गंध तो नहीं होती है, ठीक है ना। फिर आखिर कौन सी होती है, तो वो जो होती है वो सल्फर यौगिक की होती है, किसकी होती है, सल्फर यौगिक की गंध होती है, ठीक है ना। तो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाला शर्करा है, शर्करा यानी चीनी होती है और चीनी की गंध ऐसी होती नहीं है। उसके बाद में हुआ कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे चावल में भी पाया जाता है, लेकिन चावल में तो प्याज की तरह गंध नहीं होती है, इसलिए साफ साफ यहाँ पे क्लियर है कि ये सल्फर यौगिक जो हमारा होता है, इस सल्फर यौगिक की वजह से ही प्याज में गंध होती है, ठीक है ना। और इसमें कुछ हम बात कर लें कि जैसे प्याज में जो सल्फर यौगिक होते हैं, जो हाथ और बर्तन को धुलने के बाद भी प्याज की ये गंध छोड़ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या है, यह सल्फर जो यौगिक होते हैं, जो सल्फर होते हैं, जैसे सल्फर एक और जगह यूज किया था पटाखों में, जब पटाखा आप जला देते हैं ना तो उसके बाद भी उसकी गंध रह जाती है, ठीक है ना। तो क्या है, वो सल्फर है, सल्फर की वजह से इसकी गंध होती है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि घरेलू तौर पर पानी को मृद बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है। जो वॉशिंग सोडा होता है, फिर ये क्या है, धोने वाला सोडा जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वॉशिंग सोडा, आखिर यह होता क्या है, लिख लेते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। आखिर वॉशिंग सोडा होता क्या है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से क्वेश्चन देखिए कि घरेलू तौर पर पानी को मृद बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, आखिर ये वास्तव में है क्या। देखिए एक वॉशिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा भी होता है, ठीक है ना। तो दोनों का भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपको देख रखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और डी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए जो आपको ऑप्शन देके रखा है वो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र देके रखा है, क्या देके रखा है, रासायनिक सूत्र या फिर रासायनिक नाम, ठीक है ना, हम दोनों बता लेते हैं, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। तो देखिए जो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, यानी इसमें सोडियम भी होती है और कार्बन भी होता है। आखिर अब इसके सूत्र की बात करते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। क्या सूत्र होता है इसका, इसका सूत्र होता है Na2CO3। अब इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग पहले तो प्रश्न में देके रखा है कि कठोर जल को क्या बनाने में, मृदु जल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ सोयाबीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा या खनिज, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, अगला प्रश्न हमारा है 19, ठीक है ना। और इसमें आपको दे के रखा है, क्या दिया है इसमें, देखिए जरा इसमें दिया है कि इनमें से कौन उड़ सकता है, दिया है हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन।
तो देखिए इसमें जो हॉर्नबिल होती है, ठीक ना, ये क्या होता है, हॉर्नबिल जो होता है यही उड़ता है, ठीक है ना, छोटे आकार का एक लंबी चोंच वाला पक्षी होता है, ठीक है ना। पेंगुइन जो होता है, पेंगुइन क्या होता है, पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है। पेंगुइन पानी में तैरता है, धरती पर चल सकता है, लेकिन यह एक ऐसा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है। ऑस्ट्रिच क्या होता है, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच क्या होता है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग भी उड़ नहीं सकता है, यह बहुत तेज भाग लेता है और इसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। एमू क्या है, एमू एक बड़े आकार का पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है, बस धरती पर चल सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट, जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है वो आखिर किससे बना होता है। ऑप्शन में आपको दे के रखा है तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन और मिश्र धातु। तो देखिए ये बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, आपने बताया भी गया होगा कि जो बिजली का बल्ब होता है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो बिजली के बल्ब होता है, सॉरी, जो बिजली का ये बल्ब होता है, इसका जो फिलामेंट बनता है, जो ये फिलामेंट होता है ना, इसमें ये वाला ये ऐसे करके होता है ना, तो इसका जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट क्या होता है, ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और जो टंगस्टन होती है ये उच्च गलनांक वाली धातु है। कैसी है, बहुत उच्च गलनांक वाली धातु है और ये जल्दी से गलती नहीं, इसीलिए इस बल्ब का जो बल्ब का जो एलिमेंट होता है वो टंगस्टन का ही बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न है आपका कि जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, न बढ़ता है न घटता है, और या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जब कील जो होती है लोहे की, ध्यान दीजिएगा, जो लोहे की कील होती है, यही होती है ना, इस तरह करके ऐसे जो कील होती है ना लोहे की, ये ठीक है ना, जो लोहे की कील होती है, ये लोहे की जो बनी होती है यानी कि Fe की बनी होती है, इस पर जब जंग लगती है तो क्या होता है, यह ऑक्सीजन के साथ यानी कि यह O2 के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद क्या होता है, यह ऑक्साइड का निर्माण करता है जो इस पे एक परत के रूप में चढ़ जाती है, जो इस पे क्या करती है, एक परत के रूप में चढ़ जाती है। इसमें क्या होती है, एक परत के रूप में ऐसे करके चढ़ जाती है, और जब कोई इसमें परत जम जाएगी तो क्या होगा, इसका वजन तो बढ़ ही जाएगा ना, तो जंग लगने से इसका जो वजन होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा कि ये बढ़ जाता है। और ये लाल भूरे रंग का ऑक्साइड होता है, इसका रंग भी पूछा जाए तो कैसा होता है, ये ऑक्साइड जो होता है ये लाल भूरे रंग का होता है, जिसे हम फेरस ऑक्साइड कहते हैं। यदि ये आपसे पूछा जाए तो ये फेरस ऑक्साइड यानी कि FeO2 होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये फेरस ऑक्साइड होता है। क्लियर बात, कैसा होता है, फेरस ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि विटामिन, जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है उनमें कौन सा विटामिन होता है। तो अभी हमने बताया था संतरा, संतरे में विटामिन कौन सा था, विटामिन सी था, ठीक है ना। जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं यदि उसमें विटामिन पूछा जाए तो विटामिन सी होता है उसमें, क्योंकि वो खट्टा होता है, ठीक है ना। नींबू है, संतरा है, इन सब में क्या होता है आपका विटामिन कैसा पाया जाता है, खट्टा ही पाया जाता है, सॉरी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। अभी हम लोगों ने बताया था ऊपर कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि एक फ्रिज में शीतलक है, जो एक फ्रिज होता है उस फ्रिज में शीतलक का काम कौन करता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्रियोन। तो देखिए नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2 और फ्रियोन जो होता है यही एक ऐसी गैस होती है जो फ्रिज में शीतलक के रूप में काम करती है, ठीक है ना। तो फ्रियोन इसका आंसर हो जाएगा, नहीं डी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन में देकर रखा है थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और नेक्स्ट है राइबोफ्लाविन।
तो राइबोफ्लाविन जो होता है यही विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है और राइबोफ्लाविन होता है। तो आपसे अन्य के भी नाम पूछे जा सकते हैं इस बार परीक्षा में। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, आपको याद भी होगा। विटामिन बी जो होती है उसका क्या होता है, तो विटामिन B1 जो होती है, देखिए विटामिन B1 और B2 होती है, तो विटामिन जो B1 होती है, विटामिन B1 का होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन, ठीक है ना। और B2 का तो आपसे पूछा ही गया है राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन, ठीक है ना, ये होता है। अब विटामिन B3 का होता है, तो विटामिन B3 का क्या होता है? विटामिन जो B3 होता है, यदि उसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि पेंटाथोनिक नाम होता है। क्या होता है? पेंटाथेनिक अम्ल, ठीक है ना, पेंटाथेनिक होता है। तो नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। विटामिन सी में क्या होता है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई टेकोफेरॉल होता है, और विटामिन की जो के होता है वो क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ये विटामिन के होता है, ठीक है ना। तो ये रहे आपके प्रश्न। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और UP SSSC लोअर पीसीएस के जो और क्वेश्चन पेपर है उनके साइंस का डिस्कशन आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। और यदि आप चाहते हैं कि आपको टाइम से मिल जाए ये वीडियो, तो नीचे कमेंट करके लिखिए भी कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, और ये वीडियो कैसी लगी इसका रिस्पॉन्स जरूर आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।